हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं 38 साइज़ के अकॉर्डिंग कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने यहां पे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को लिया है। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है और ये देखिएगा, ये इसका बैक पार्ट डिज़ाइन है जो इसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ से देखिए, जब भी हमें क्या है ना कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि सिंगल कटोरी ब्लाउज में क्या है ना, डायरेक्ट आपको अस्तर पर कटिंग कभी नहीं करनी है। हमेशा आप इसका मेजरमेंट पहले पेपर पर लेते हुए इसको काट कर लें, इसके बाद ही आप मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ इसमें कट करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको क्या करना है, अब एक पेपर लेना है। ईजिली किसी के घर में भी न्यूज़पेपर मिल जाता है, तो इस न्यूज़पेपर के साथ पहले हम कट करेंगे। तो यहाँ से हमें ब्लाउज की सबसे पहले लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई हमारी तैयार रहेगी 13.5 इंच, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। फ्रंट पार्ट में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो टोटल लंबाई रखी है यहाँ से 15 इंच पे। 38 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर रखने हैं 6 इंच पे, और आर्म होल्स भी हमें 6 इंच पे ही लेना है। तो देखिएगा, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है आपको। अब हम 1/2 इंच बाहर की ओर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आर्मोस के लिए। यहाँ से इसके बाद आपको क्या करना है, चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 38 साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से हम 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच, और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन को प्लस कर रहे हैं। आप चाहे तो 2 इंच भी सिलाई मार्जिन को प्लस कर सकते हैं, और 1 इंच हमें यहाँ आर्मोस के साइड से एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि हाई हुक की पट्टी जो हमारी होती है उसमें हमारा और प्लस सिलाई का दोनों ही मेजरमेंट को प्लस करके हमें लेना होता है, जो कि टोटल 1 इंच का आता है। इसके बाद हम यहाँ आर्मोस की गोलाई थोड़ा सा गहराई देते हुए देंगे। देखिए, 1/2 इंच हमें अंदर की ओर से गहराई देते हुए आर्मोस की गोलाई लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर यहाँ 36 इंच है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इसका 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, और 1.5 इंच इसमें मैंने सिलाई मार्जिन को रखा है। और यहाँ से भी आपको क्या करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेना है। मार्किंग दोनों ही अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। इसके बाद हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने ऊपर से रखी है 3 इंच पे। आप चाहें तो अगर इससे कम इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं, तो आप 2.5 इंच तक भी गले की चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ पे गले की लंबाई मैंने रखी है 6 इंच पे। ये देखिएगा, 38 साइज़ के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 6 इंच पे ही गले को लीजिएगा, या तो आप इससे ज़्यादा लेंथ में रखना पसंद करते हैं तो आप यहाँ से 6.5 इंच तक रख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें बॉक्स बना लेंगे और गले की गहराई दे देंगे। अब हम बेल्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो बेल्ट का मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिएगा, तो गले के साइड से आपको रखना है यहाँ पे 3.5 इंच, और यहाँ पे आर्मोस के साइड से आपको लेना है 3 इंच पे, और एक हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। और ये बेल्ट के लिए क्या है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट यही है। देखिए, यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है ना, आपको सेंटर से 1/2 इंच डाउन करते हुए इस तरीके से राउंड शेप लगाना है। तो इस प्रकार से आपको बेल्ट को तैयार कर लेना है मार्किंग लगा कर। अच्छे तरीके से बेल्ट की मार्किंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। तो कटोरी का मेजरमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे, आइए इसको जानते हैं। 38 साइज के अकॉर्डिंग अगर हमें कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट निकालना है, तो उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा 6.3 आ रहा है, तो यहाँ से हम 6.3 लेंगे, और ये देखिएगा इस तरीके से कटोरी का आपको मेजरमेंट देना है। तो नीचे से आपको 2 इंच पे एक मार्किंग लगाना है, और आर्मोस के बीच सेंटर से हम यहाँ पे 2 से 2.5 इंच तक में रखेंगे। जहाँ तक आपकी गोलाई आती है ना, आपको वहाँ तक ही लेना है। गले के साइड से हम 4.5 इंच लेंगे, और वहाँ से हम मार्किंग बना लेंगे। इसके बाद आपको देखिए इस तरीके से कटोरी का शेप दे देना है। कटोरी का अच्छे तरीके से शेप लगाने के बाद आपको इस तरीके से कट कर लेना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम सबसे पहले पेपर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा, टोटल 3 पीसेस को मैंने कट कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ से ये जो हमारी कटोरी है ना, ये जो हमारे पेपर पे मैंने कट किया है, इसे अब हमें बढ़ाकर लेना है।
तो आपको किस प्रकार से बढ़ाना है ये देखिएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे पेपर को लिया है न्यूज़पेपर, ये जो है, तो आपको यहाँ कौन से इस तरीके से सेट करना है। तो ये मैं आपको सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हमें फैब्रिक पे भी इसी तरीके से रखना होता है, क्योंकि हमारा जो ये कटोरी होता है ना, इसमें आपको थोड़ा सा उरेब कपड़ा रखना है, इसलिए आपको थोड़ा सा कोन वाला पार्ट को लेते हुए सेट कीजिएगा। और यहाँ से हम इस तरीके से एज इट इज़ मार्किंग बना लेंगे। तो ये देखिएगा कटोरी की मार्किंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब आपको एच तक कहाँ से बढ़ाना है ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर गले से क्या करेंगे, हाफ हाफ इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, जो कि हमारे सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और इस साइड से भी हम 1.5 इंच पे ही लेंगे। अब हम बीच का सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। तो बीच का सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ये देखिएगा ये हमारा आ रहा है 4.5 इंच पे। तो 4.5 इंच पे आपको एक मार्किंग बना लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है और दोनों लाइन के साथ आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब साइड से हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करते हुए ऊपर की लाइन से नीचे तक हम इसको मिला लेंगे। इधर से हम स्केल की मदद से देखिए इसको सीधा कर लेते हैं। बीच सेंटर से हम 3.5 इंच पे इसकी लेंथ को लिए हैं और इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्किंग को हम अच्छे तरीके से डार्क कर लेते हैं और यहाँ से देखिए हम 1.5 इंच पे जो मैंने एक्स्ट्रा साइड से बढ़ाया था ना, ये 1.5 इंच के यहाँ पे मार्किंग बनेगी। दोनों साइड आप मार्किंग इस तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में हमें स्टिच में लेना है। तो सभी मेजरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो पेपर पर हमारी कटिंग हो चुकी है, तो छोटा पार्ट हम इस जगह पे नहीं लेना है। अब जो मैंने बढ़ा कर लिया है इसको ही हम अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए इस तीनों पीसेस को मैंने अस्तर पर ले लिया है और यहाँ से हम मार्किंग बना लेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस पार्ट से हमें क्या है ना, किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि सभी मार्जिन को मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन का प्लस करके ही लिया है। तो इस तरीके से अब हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा तीनों ही पीसेस को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे, साथ में मेन फैब्रिक के साथ भी हम इसको कट कर लेते हैं। अब हम स्टिच लगाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आप क्रॉस साइड में अस्तर को अटैच कर लीजिएगा। अच्छे से पिन से सेट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टिच देना है। सिलाई से हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको कट करके इसे बराबर कर लेना है अस्तर के साथ। तो मेन फैब्रिक से ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है, ये देखिएगा। कटिंग करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। दूसरे पीसेस को भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद आपको जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको यहाँ पे भी कट कर लेना है। तो टोटल दो पीसेस को ही हम अस्तर के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे और जो बेल्ट वाला हमारा ये पार्ट है ना, इसको हम इस जगह पे अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें देखिए नीचे से फिनिशिंग देते हुए इस पार्ट को अटैच करना है। तो आपको आगे चल के हम बताएंगे वीडियो में। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए
यहाँ पे हमें इसका टक्स पॉइंट बनाना है। 3.5 इंच की हमें यहाँ पे पहले मार्किंग बना लेनी है अच्छे तरीके से। साइड से हमें 1.5 इंच यहाँ पे लेना है सिलाई मार्जिन का, तो इसका भी हम मार्किंग बना लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से स्टिच लगाना है। तो ये देखिएगा कटोरी बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट को यहाँ साइड से अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से आप हाथों से इसको पहले सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टिच देना है। तो सिलाई मार्जिन मैंने यहाँ पे 1/2 इंच लिया है, और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपको सेट करना है। कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको हल्के हाथों से सेट करते हुए स्टिच लगाना है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, ये देखिएगा इस तरीके से आएगा। अब हम बेल्ट पार्ट को अटैच कर लेते हैं। तो बेल्ट पार्ट में हमारा जो मेन फैब्रिक है इसको ऊपर की ओर से लेना है, और ये जो अस्तर के फैब्रिक हो इसे हमें नीचे की ओर से लेना है। तो इस तरीके से ये जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है ना, ये हमारा इनविजिबल अंदर की ओर रहेगा और ये बिल्कुल दिखेगा नहीं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये आएगा, ये देखिएगा। तो यहाँ से भी हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का रखेंगे और अच्छे तरीके से स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिएगा ये सिलाई से इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसके साइड से भी सिलाई लगाएंगे और कुछ इस तरीके से ये देखिएगा। साइड से हम हाथों से अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे, इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिएगा। और इसमें भी देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें कट कर लेना है। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कट करके इसको मिला लेते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे ना, जो एक्स्ट्रा कपड़ा के साथ हम अस्तर के फैब्रिक से इसको कमर पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले को तैयार कर लेते हैं। तो गले को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे उरेब कपड़े को कट करके लिया है, ये हमारा अस्तर के फैब्रिक से है। और इसके बाद आपको इसे डबल फोल्ड करते हुए हम गले पे सेट कर लेंगे। तो सिलाई मार्जिन हम यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे गले में, और इसे अच्छे तरीके से सिलाई देंगे। सिलाई से अच्छे तरीके से जब अटैच कर लीजिएगा, इसके बाद आपको बीच सेंटर में क्या करना है, छोटा छोटा कट लगाना है, क्योंकि इसे हम पलट कर अंदर की ओर लेंगे। अब हम एक सिलाई यहाँ पे अस्तर पर लगाएंगे, ये हमारे फिनिशिंग की सिलाई रहेगी, और यहाँ से हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके एक सिलाई हमें यहाँ पे देखिए दोबारा लगाना है। तो ये अच्छे तरीके से गला हमारा तैयार हो गया है, ये देखिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाई हुक की पट्टी तैयार करेंगे। हाई हुक की पट्टी तैयार करने के लिए हमें अस्तर के ही फैब्रिक से लेंगे, और इस तरीके से आप 2 से 2.5 इंच की चौड़ाई में कपड़े को लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कट करके इसे लिया है, देखिए इस तरीके से आपको डबल फोल्ड लगाना है और यहाँ से सिलाई देंगे। सिलाई देकर इसे हम अटैच कर लिए हैं, और यहाँ से हम जो ऊपर की ओर से एक्स्ट्रा धागा है उसे भी आपको मिला लेना है कट करके। फिनिशिंग देते जाएंगे हम यहाँ से। एक सिलाई हम अस्तर पर लगाएंगे, ये देखिएगा, और अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेते हैं। तो गले के साइड से आपको क्या करना है, कपड़े को अच्छे तरीके से अंदर की ओर फोल्ड देते हुए आप फिनिशिंग में ले लीजिएगा। इसके बाद ही आपको यहाँ पे सिलाई दीजिएगा, ये देखिएगा, इस तरीके से आपको रेडी करना है। तो ये तैयार हो गया है। अब सबसे लास्ट में हम कमर पट्टी बनाएंगे। तो कमर पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक को हम इस तरीके से कट करके लेंगे। इसे मैंने 2 इंच की चौड़ाई में रखा है, और इसे हम सबसे पहले सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं। तो सिलाई मार्जिन हम नीचे से 1/2 इंच लेंगे और एक सिलाई अस्तर पर लगाएंगे, जो कि फिनिशिंग की सिलाई रहेगी। तो इस तरीके से आपको फोल्ड देते हुए नीचे से कमर पट्टी बना लेना है, ये देखिएगा, बहुत ईजिली और आसान तरीके से ये कमर पट्टी बन जाता है। आप चाहे तो अगर इस तरीके से नहीं तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसके साथ यहाँ पे पाइपिंग बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, और गले के साइड से भी आप पाइपिंग बनाकर इसे अटैच कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज के जो कटोरी ब्लाउज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर की हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हो अच्छे तरीके से और आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।